शीनम शर्मा, आज पेश किया जाएगा योगी सरकार का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। 7,50,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट होने की संभावना जताई जा रही है। हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश रहेगी। ये सबसे बड़ी खबर आज की उत्तर प्रदेश की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा में योगी सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से बजट पेश किया जाएगा और करीब 7,50,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट होने की संभावना है। हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश आज रहेगी और आज योगी सरकार बजट पेश करेगी। आने वाले चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इस बजट को माना जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार का फोकस रहेगा। कई बड़े ऐलान जनता के लिए किए जा सकते हैं। लोक लुभावन वादे भी इसमें हो सकते हैं और माना जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा बजट ये हो सकता है। करीब 7,50,000 करोड़ का ये बजट होने की संभावना जताई जा रही है और लोकसभा चुनाव जल्द ही होने हैं। इसके मद्देनजर कई सौगातें यहां पर मिल सकती है जनता को। कई बड़े ऐलान जनता के लिए किए जा सकते हैं और हर वर्ग को साधने की यहां पर कोशिश रहेगी। औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देने पर फोकस रह सकता है। महिलाओं पर, युवाओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, धार्मिक स्थल जो है उनके सौंदर्यीकरण पर, कैसे उनका और विकास किया जाए, कैसे कायाकल्प किया जाए, इन सभी चीजों पर सरकार का फोकस रह सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। तो आज यूपी का बजट पेश होगा और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 18 से थोड़ी ही देर पहले बातचीत की है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा और योगी जी का जो घोषणा है वो पूरी होगी। 2017 में बढ़ेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा और योगी जी का जो घोषणा है वो पूरी होगी। सर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए इस बजट में किस तरीके से क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, ये तो आपको जब बजट पेश हो तभी देखिएगा, लेकिन ये ऐसे सेक्टर हैं जो हमारी प्राथमिकता के हैं। आज उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें इस बात की कोशिश की गई और ज़्यादा से ज़्यादा महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति, ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं। जिस प्रकार से उनको वो बहुत पॉपुलर हुई, आज लड़कियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा की चिंता की गई। सर सर सर, फिर उसके बाद जब वो इस लायक हो जाए कि उनकी शादी हो, उसकी भी चिंता की गई। सर सर सर, तो हर तरह से प्रदेश के सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में बजट सहयोगी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये बजट हर लिहाज से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सहयोगी होगा और जनता के लिए इस बजट में काफी कुछ रहने वाला है। $10 खरब की जो इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें भी इस बजट की में इसकी भी छाप सीधे तौर पर नजर आएगी। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब योगी सरकार की ओर से कितने कितने बजट को पेश किया गया है, यानी कि कितना बड़ा बजट पेश किया गया है, कब कितने का बजट पेश हुआ, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सिलसिलेवार तरीके से 2017 में जब बजट पेश किया गया 3,46,000 करोड़ का ये बजट, 2018 के बजट की बात करें तो 2018 में 4 लाख से ज्यादा का, 4,28,000 करोड़ का बजट,
और इसी तरह से आप देखिए कि सिलसिलेवार तरीके से जब जब सरकार ने बजट पेश किया है तो कितने का बजट पेश किया और माना जा रहा है कि इस बार सबसे बड़ा बजट रहने वाला है। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। अब उत्तर प्रदेश के बजट की बारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8वीं बार बजट पेश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट साबित होने वाला है। बजट में योगी सरकार न सिर्फ किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए खास प्रावधान लाने जा रही है, बल्कि इस बार के बजट में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी राशि संभावित है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। बजट प्रदेश के चतुर्मुखी विकास में सहायक सिद्ध होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला होगा और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला होगा। किसान हमारे मुख्य एजेंडे में है और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति प्रदान करने वाला बजट होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का 6,90,000 करोड़ रुपए बजट था। यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट था। इसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। विधानमंडल में बजट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक लेंगे और इस बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकसभा में पेश अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। करीब 7 लाख करोड़ का बजट, मेट्रो विस्तार की संभावना, प्रयागराज कुंभ के लिए राशि, किसानों के लिए नई योजनाएं, युवाओं महिलाओं पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस। इसमें उत्तर प्रदेश के विकास को खास ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो आध्यात्मिक नगरिया हो या उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार कल 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है और लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट काफी हद तक उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8वीं बार प्रदेश का बजट पेश करेंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के नाम है। साल 2023 में पेपरलेस बजट था। उन्होंने 3 बार सीएम रहते हुए 4 बार राज्य का बजट पेश किया था। इसके अलावा 7 बार बतौर वित्त मंत्री रहते हुए राज्य का बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश के लोगों को बजट का बेसब्री से इंतजार है और देखते हैं कि योगी सरकार के पिटारे में किस वर्ग के लिए क्या सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो योगी सरकार का 8वां बजट आज पेश होने जा रहा है। माना जा रहा है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिन पर फोकस सरकार का रहने वाला है और आने वाले चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बजट माना जा रहा है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। संकेत, थोड़ी ही देर पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से भी आप बातचीत कर रहे थे और ये चुनावी साल भी है, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के लिए बड़ी सौगातें इस बजट में मिलने जा रही हैं, और किन चीजों पर फोकस रह सकता है आज सरकार का? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, योगी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट आज पेश होने जा रहा है। कुछ ही देर बाकी है, 11 बजे बजट पेश किया जाएगा और ये 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा।
यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार पेश करने जा रही है। और इस बजट में खास कर ध्यान रखा गया है जो 10 खरब डॉलर का अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है, उसकी छाप सीधे तौर पर नजर आएगी। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट सत्र है, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले बजट पेश किया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता को, हर वर्ग को फायदा मिलने की उम्मीद है इस बजट से। समग्र विकास की थीम पर योगी सरकार ये बजट आज पेश करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो भी बजट पिछले अगर हम देखें जो पेश करते रहे, उस योगी सरकार के बजट में सभी की भागीदारी साफ रूप से नजर आती है। यही वो वजह है कि अभी हम वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि महिलाओं, गरीबों और इसके अलावा जो किसान है उनका भी खास ध्यान रखा गया है, यानी कि हर तबके का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और उत्तर प्रदेश की जो आध्यात्मिक नगरियां हैं उनके विकास पर भी फोकस किया जाएगा इस बजट में, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और सुरेश खन्ना ने कल इस बजट को अंतिम रूप दे दिया है, आज ये बजट सदन में पेश होगा। जाहिर सी बात है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है और ये बजट पेश होने से पहले सीएम आवास पर जो कैबिनेट की बैठक है वो आयोजित की जा रही है। 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, उसमें 2024-25 जो बजट का मसौदा है, वो वित्तीय वर्ष बजट का जो मसौदा है वो रखा जाएगा, यानी कि प्रस्ताव रखा जाएगा और उसको इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी। और कैबिनेट की बैठक में तमाम दूसरे प्रस्ताव भी आएंगे, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हुए हों या आध्यात्मिक विकास से जुड़े हुए हों या फिर उत्तर प्रदेश में जो चाहे नई पर्यटन नीति को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दे हो, तमाम जो 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। इसमें जो बजट पेश किया जाना है उसको मंजूरी पहले कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। 9:30 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक सीएम आवास पर आयोजित होगी। इस बैठक के बाद में फिर बजट पेश किया जाना है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे और समग्र विकास की थीम पर ये बजट पेश करेगी योगी सरकार। योगी सरकार ने इस बजट में जिस तरीके से वित्त मंत्री बता रहे थे कि हर तबके का ख्याल रखा गया है, सभी का ध्यान रखा गया है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो और युवा हो और महिलाएं हो, उन पर फोकस किया गया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में मजबूती से इस बजट में ध्यान दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये बजट 11 बजे पेश होगा, समग्र विकास की थीम पर पेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। यानी कि संकेत कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो आज बड़ी उम्मीदें कर सकती हैं, क्योंकि चुनावी साल भी है जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। साथ ही साथ पहले से सरकार के मैनिफेस्टो में ऐसी कई चीजें रही है, चाहे धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर बात हो, महिलाओं पर फोकस करने की बात हो, कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले कितनी बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में, इन सभी चीजों से रिलेटेड काफी चीजें आज हमें एक झलक जो है बजट में दिखने वाली है, कह सकते हैं संकेत। बिल्कुल जाहिर सी बात है इस बजट में चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, सभी को लिए इस बजट में प्रावधान रहेगा, ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, जिस तरीके से वित्त मंत्री बता रहे थे। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास है उसके ढांचे को और सशक्त करना, उत्तर प्रदेश में जो 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है उसकी भी छाप इस बजट में सीधे तौर पर नजर आएगी। कि और इस वहीं दूसरी तरफ चाहे उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो और इसके अलावा जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में।